नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेराव और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। ये बुजुर्ग महिला जो माता जी से सेना पानी थाना है मुर्गाती क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और पिछले कुछ दिनों से बाड़मेर शहर में घूम रहे हैं, तो इंसानियत के नाते, मानवता के नाते हम सब का ये फर्ज बनता है कि इन माता जी को सुरक्षित जगह पर रखें। और ये कोशिश रहती है कि अगर इनको कोई पहचानते हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि इनके परिजनों तक ये वीडियो पहुंचे। अभी हमें ये माताजी, किसी का फ़ोन आया था कि बाड़मेर शहर के महावीर नगर में एक बुज़ुर्ग माताजी हैं जो यहाँ पर घूम रहे हैं, इनके अंग पर वस्त्र भी नहीं थे, तो हमने इधर उधर से ला करके इनको वस्त्र पहनाए हैं, पानी पिलाया है, खाना खिलाया है। और अब हम लोगों की आप लोगों से अपील है, जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से इनको कोई भी जानता हो ये क्या बोल रहे हैं, हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा, हमने काफ़ी कोशिश की, तो अभी हम उनको बाड़मेर में सुरक्षित जगह पर कहीं संस्था के माध्यम से रखवाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद आप लोग जितने भी दर्शक हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर इनको कोई जानते हो उनके परिजनों तक ये वीडियो पहुँचाएँ, और आप लोग शेयर कर दीजिएगा क्योंकि अगर इनको कोई जानता है तो उनके परिजनों तक ये वीडियो पहुँचे, और इनको कोई जानता है तो इनको घर ले जाएं अपने। बहुत ही दुखी ये माता जी हैं। माँ कटे हुए आप कहाँ से आए हो? कब से सीना पानी थाना है मोर गाँव है। घर जाना है वापस? घर कहाँ? बेटा है? बेटा बेटा है, बेटी है, दामाद है। कहाँ कहाँ है? घर में है। घर कहाँ है? सब चीज के चल कर गठिया हूँ। आप आए कहाँ से हो है माता जी? कहाँ से आए हो? बस में आए, ट्रेन में आए हो, किस में चढ़कर आए हो? ट्रेन में आए हूँ। ट्रेन में आया हो? हाँ। खाना खा लिया? कब से सीना पाली ठना है। कौन सा? कब से सीना पाली मुर्गा में ठना है। मुर्गा मुर्गा में, मुर्गा में कब से सीना पाली में पुलिस है। पुलिस? हाँ। काप से सीना पाली? हाँ। काप से सीना पाली? काप से सीना पाली। मुर्गा मुर्गांव? मुर्गांव है। मुर्गांव? मुर्गांव कहाँ आया हुआ है? गुजरात में? महाराष्ट्र में? नहीं, केरल। खोड़िया रोड। खोड़िया रोड। खोड़िया रोड। ये माताजी ने जिन जगहों के नाम बताए हैं, अगर आप में से कोई भी इन जगहों के बारे में जानते हो तो ज़रूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि बाड़मेर के महावीर नगर में एक बुजुर्ग माताजी जो है वो यहाँ पर बैठे हैं। तो मुर्गांव है, थाना है, पुलिस है। मुर्गांव थाना है? मुर्गांव कब से सीना पाली? कहाँ? यूपी में है, एमपी में है, कहाँ है मुर्गांव? खड़ियार। खड़ियार और सीना पाली। सीना पानी आना जाना पुलिस। अच्छा, तो अभी आपको सुरक्षित जगह पे छोड़ दें, कहीं सोना है, बैठना है, कहीं कहीं छोड़ दें? हमें कहीं बैठना नहीं, उठना नहीं। मोर बेटा बेटी रोज थे, मैं जात हूँ। कहाँ जात हो? घर। घर यहाँ नहीं है, आप बाड़मेर आ गए हो, आप राजस्थान आ गए हो, घर से दूर आ गए हो। का चिन्हे का चोरी की छीना रखी? राजस्थान शाम का हमारे गाँव और देश है, वो तो दबक रच किया है। हमें नगर पालिका है। नगर पालिका है? हाँ। अब आपने गांव का नाम बताओ। कब से सीना पानी। और बेटे का नाम क्या है? मोर बेटी का नाम क्या बारी। क्या बारी? हाँ। बेटी का? बेटी कैसे? बेटा 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 नहीं, बेटा नहीं है। दामाद का नाम क्या है? दामान के नारथ। दामान के नारथ। दामन के नारथ। पति का नाम आता है? आपके पति का नाम आता है? हाँ। क्या नाम है? गणपति। गणपति। तो जितने भी हमारे साथी दर्शक हैं एक बार इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इंसानियत का धर्म बनता है, मानवता का धर्म है कि किसी बुजुर्ग महिला को उनके घर तक पहुंचाएं। हालांकि जगह जो बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उन तक संपर्क करें। आप में से अगर कोई जानते हो तो इनको ज़रूर संपर्क करके बताएं।
ठीक है माताजी, रुको हम बुलाते हैं आपको, सही जगह बिठाते हैं, फिर आपका दामाद है ना उनसे हम संपर्क करते हैं, उनको फोन लगाते हैं। नंबर याद है? नंबर तो आपको याद नहीं होगा। रामा छोड़ा बात क्यों करता है क्यों करता है रामा छोड़ा बात नहीं करना। सब दिन आना जाना तो हम चलो खड़िया रोड, खड़िया रोड जाना है। काप से सीना पानी, काप से सीना पानी, खड़िया रोड। मुर्गांव में पुलिस है, मुर्गांव में मुर्गांव में थाना है, पुलिस है। हम खेती किसान वाले हैं, हम खेती किसान वाले, चोरी 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 नहीं छीनार नहीं। खेती किसान बाड़ी हो क्या? हाँ, 10 एकड़ जमीन है। 10 एकड़ जमीन है। यहाँ ट्रेन से आए हो? ट्रेन में चढ़कर आए हो? रेल में आए हो? मुर्गा में थाना है बाबा, थाना है, पुलिस है, मुर्गा में सीना पानी में। ठीक माताजी, माताजी छाया में बैठो, चलो छाया में पानी पिलाते हैं, छाया में बैठ जाओ। पानी पानी का कारण थी? पानी पियो, पानी, गर्मी है ना। आप बैठो, आ जाओ, आओ मेरे साथ आओ। मैं बैठो, मैं सीधा जाओ घर। बैठो बैठो, 2 मिनट आपको घर छोड़ते हैं। आपका घर है ना, वहाँ भेजते हैं हम आपको। आपसे सीना पानी ना लूँ? हाँ सीना पानी चलते हैं, हम गाड़ी मंगाई है, आपको घर छोड़ाते हैं। ठीक है, आप वहाँ आओ, वहाँ बैठ जाओ, ये है ना। क्या कारण तुम नहीं बैठते क्या कारण तुम नहीं बैठते हुआ सीधा घर के बैठते। तो हमने माताजी को घर पहुंचाने का जो कोशिश कर रहे हैं, पुलिस कोतवाली की गाड़ी भी आ चुकी है और अब माताजी को एक संस्थान में भिजाने की कोशिश करेंगे। बैठो, आ जाओ माताजी, आओ, आ जाओ, आ जाओ। इनको सत्य साईं मूक बधिर संस्थान जो बाड़मेर की है, वहाँ माताजी को सुरक्षित जगह पर छोड़ देंगे। देखिए, इंसानियत का धर्म बनता है, पुलिस ने भी अपनी इंसानियत का धर्म निभाया। बाड़मेर के एडिशनल साहब ने फ़ोन करके तुरंत पुलिस की गाड़ियाँ भिजवा, ला रहे पानी, ला रहे लेके आ गए। ये मानवता और इंसानियत का धर्म होता है, क्योंकि आ जाओ माता जी, आओ, पानी बोतल बोले। हाँ ठीक है, बैठ जाओ माता जी, बैठो, ये बिस्किट खाओ लो। ये माता जी ने बिल्कुल कपड़ा वपड़ा एक बदन पानी पाए, कपड़ा पहराए, खड़ाए, रोटी नाश्ता भी जो कराए पसंद। कौन? ना ना, ये कोई भूली उड़ा है, भूल से आ गई इधर। ओ कोई नहीं, आप पानी पियो, आपको घर पहुंचाएंगे, पानी पियो। आपका घर है ना मुड़गांव, वहाँ बड़ा साहब से बात किया हमने, पानी पी लो, पानी पियो, काफी सीना पानी, सीना पानी, ठंडा पानी पियो। यार गांव नाव सीना पानी है, सीना पानी मुड़गांव थाना है, थाना है। नहीं, महावीर नगर में हमारे किसी ने सूचना दी है ऐसी महिला बैठी है, तो हम वहाँ पर पहुँचे, इनका मतलब पूरा पहले पानी वाणी पिला के, कपड़े कहीं से मांग करके पहना के। धर्म रो काम है, जरूरी है। थाना में काम करती हो? थाना में काम करते हो? झाड़ू पोछा। अभी आप खा लो, बिस्कुट खा लो, फिर हम आपको छोड़ देते हैं आपको गांव। कोतवाली पुलिस की टीम पहुंची है। बाड़मेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह जी को जैसे ही फ़ोन किया तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से इस मामले को गंभीरता से लिया और टीम को यहाँ भिजवा दिया। अब बाड़मेर का सत्य साईं मूक बधिर जो संस्थान है वहाँ पर इन माताजी को अभी रखेंगे और उसके बाद हम लोग और पुलिस की ओर से भी कोशिश की जाएगी कि इन माताजी को अपने घर तक पहुँचाएँ। तो मेरे जितने भी दर्शक हैं उनसे एक अपील है कि अगर आपके आसपास इस प्रकार के कोई भूले भटके लोग आ जाएँ, ये भी किसी की माँ होंगी, इनके भी बच्चे होंगे, परेशान रहे होंगे, तो उन तक अगर ये पहुँचेंगे तो सबको दुआएं मिलेगी। तो जितने भी साथी हैं अगर इनको कुछ जानते हैं तो एक बार इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही इनके परिजनों तक इतला दें और हम कोशिश करेंगे कि इनके परिजनों तक पहुंचे, और आप भी जानते हो तो इनके परिजनों तक पहुंचाने में मदद ज़रूर करें।
तो जो ये बुजुर्ग माताजी हैं, इनके हम इनको अभी संस्थान में भिजवा रहे हैं। बाड़मेर का एक साथी संस्थान है, साथी ग्रुप, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। विक्रम सिंह और उनकी टीम भी पहुँची हैं, हमने उनको इतला दी। और पुलिस को जैसे ही इतला मिली, बाड़मेर के एडिशनल साहब को हमने फ़ोन किया, तो कोतवाली पुलिस मौके पर पहुँची हैं, पूरी तसल्ली से इनसे बात की है, पानी चाय नाश्ता वगैरह करवाया है। मैं इनका एड्रेस जो हमें समझ में आया है वो बताने की कोशिश करूँ। इनका नाम परमिला बता रहे हैं, खुद का नाम। इनके पति का नाम गणपति बता रहे हैं, जाति ये गोणा बता रहे हैं। कापसी सीनापाली ये इनके क्षेत्र का नाम पड़ता है, नवापुरा तहसील, नवापुरा जिला और उड़ीसा, उड़ीसा के ये माताजी हैं। अब तक जो इन्होंने बात बताई है, इनकी बेटी का नाम हिरौंदी और अष्टमी है। इनका एक दामाद है जिनका नाम नारद है, और ये ट्रेन से भूलवश यहाँ पहुँचे हैं। एक बेटी इनकी विधवा है, ये इनका माताजी का कहना है। तो हमने अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश की है, हम लोग भी इनके परिजनों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और आप भी इनको जानते हो, उड़ीसा क्षेत्र से कोई आपके जान पहचान वाला है, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि माताजी के परिजनों तक ये माताजी वापस पहुंच सके। किसान है ये। बाड़मेर का साथी समूह अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, विक्रम सिंह और उनकी टीम पहुँची हैं। कोतवाली पुलिस भी तुरंत प्रभाव से, देखिए इंसानियत का धर्म निभाने सब लोग आगे आ जाते हैं, तो आप भी अपना फर्ज निभाएं और इस वीडियो को शेयर करें। और फिर बताइए कि ये क्या बोल रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए, कैसे आइडिया मिल जाए। हाँ, मैं स्पीकर पे ले रहा हूँ, फोन है ना। हाँ बोलिए, आप स्पीकर पे हैं, आप बोलिए। इनका नाम और एड्रेस आप उड़िया भाषा में पूछ लीजिए, ये बता देंगे आपको। हाँ बोलिए, आप बोलिए। बाबा मैं कब से सीना पाली रहे, मैं आपका खड़े रहा था, मोर बेटी की देखे बार आ रहे, तो मोर बाबा मना मना देखी तो कहाँ जा थो बोली, तो मैं घर जा थो बोले, तो चारू बैठा हूँ, गाड़ी बैठा हूँ, काबल घर जाता हूँ, खाली गुड़ी बड़ी तो मैं रुक गए। मोर बाबा मैंने सब खड़ा हो गए, मोर सुने बात करते, मोर सुन बात करते, बाबा चोरी ना छीना, मैं असली घर बहू बेटी है, असली घर बहू दमा में ससुराल में भी। आप रुक जाओ, क्या बोल रहे हैं ये? हेलो, ये क्या बोल रहे हैं? हेलो, अरे हिंदी तो हम भी बोल रहे हैं, उड़िया में बोलिए, हिंदी तो हम भी बोल रहे हैं। बाबा मैं कब से सीना पाली रहे, तुम्हारा घर किन्नर है? अच्छा, ये नाम तो इन्होंने बता दिया, और कुछ पूछो ना इसे, और कुछ मालूम चले, ये कौन सी जगह है, मतलब नंद है, मानीपुरा बीच में नंद है, बीच में नंद है, चलते रहते हैं पानी। तहसील और थाने का नाम पूछो ना आप। वापिस बोलिए। डोगरी